वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन के दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग इंट्यूटिव ज़्यादा रहेगी। ओके, इंट्यूटिव ही रहेगी, ज़्यादा क्या। ओके, इंट्यूटिव रीडिंग है ये और जनरल है, सभी के साथ तो मैच नहीं हो पाएगी, लेकिन जिनके साथ होती है बताइएगा ज़रूर। तो मैं फिर से बताती हूँ, सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो पाएगी। ओके, और ये रीडिंग भी टाइमलेस है, आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचते हैं ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, और ये सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती हूँ, टैरो रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, तो यहाँ पर हम आपके लिए करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये शुरू का जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस टाइम वेस्ट है, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ओके, कोई परेशानी नहीं है मुझे, किसी प्रकार का कोई खेद नहीं होगा, आप उसको स्किप कर लीजिएगा। तो तब तक मैं धूप जला लेती हूँ, लेट मी क्लेंस। ओके, सो हियर वी हैव धूप। ओके, ये माचिस, ओके व्यूअर्स, तो चलिए यहाँ पर हम कलश से पानी डालते हैं बाउल में।
तो यहाँ हमने बाउल में पानी ले लिया है और अब हम कैंडल बर्न करते हैं, ये कैंडल ब्लो करते हैं। व्यूअर्स, आपके पर्सन जो होंगे उन्हें अपने आप को अपनी केयर करने का बहुत शौक होगा, ये जैसे अपने बालों का, अपने हेयर स्टाइल का बहुत ध्यान रखते होंगे, या अपने ड्रेसिंग सेंस का, जूतों का, काफ़ी उन्हें अपनी केयर करना पसंद है, जैसे अपने वेट का ध्यान रखते होंगे, लुक्स वगैरह पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वो, और उन्हें खाने पीने का भी बहुत शौक है। उन्हें अगर वो मेल हैं तो क्या उन्हें सिगरेट पीने की भी आदत है? आई डोंट नो, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, मैंने कहा था, लेकिन सिगरेट पीने की हैबिट हो सकती है उन्हें। उन्हें भी वो सब ब्लैक पहनना पसंद हो सकता है, ब्लैक काफ़ी पहनते हों, या ब्लैक में वो आपको अच्छे लगते हों जब वो ब्लैक पहनते हों, या ऐसा हो सकता है रिसेंटली आपने उन्हें कहीं देखा हो, या आपने उनकी कोई प्रोफाइल फ़ोटो या कहीं कोई पिक्चर देखी हो जहाँ वो ब्लैक पहने हैं। यस, तो उनके दिमाग में, दिल में अभी क्या चल रहा है आपके लिए? व्यूअर्स, वो आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें आपकी याद आती है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने डिसाइड ही ऐसा किया है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उन्होंने डिसाइड ही ऐसा किया है कि वो नहीं करेंगे एक्सप्रेस। हो सकता है उनके नाम में ए अक्षर आता हो, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल अल्फाबेट ए जैसा लगा था मुझे। ओके, एस आता हो उनके नाम में, आई भी हो सकता है। ओके, उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा, उनका घर में पैर नहीं टिकता होगा, घूमने फिरने का बहुत शौक है उन्हें। तो व्यूअर्स, इस समय वो आपको मिस कर रहे हैं और आपको एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, उन्होंने खुद ही ऐसा डिसाइड किया है कि वो आपको एक्सप्रेस करना नहीं चाहते। व्यूअर्स, इसका रीजन यहां पर मुझे दो लग रहे हैं रीजन। देखिए, पहली बात तो मुझे यहाँ ऐसी लग रही है कि यहाँ कोई तीसरा इंसान बीच में है आपके, जो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है, या आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कोई, या कोई बीच में आना चाहता है आप लोगों के, कोई तीसरा इंसान है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन उस तीसरे इंसान की कोई बात मान रहे हैं, पर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई मजबूरी हो उस तीसरे पर्सन की बात मानना, आपके पर्सन की मजबूरी ज़रूर हो सकती है यहाँ पर। व्यूअर्स, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उनकी कोई मजबूरी है जो उनको विवश कर देती है कि वो किसी और की बात सुने। उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर्स, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेडीज़ लग रही हैं, कोई लेडीज़ का थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है यहाँ पर, डोमिनेशन है उनका यहाँ पर, कंट्रोल है बहुत। आपके पर्सन दूसरे कास्ट या दूसरे धर्म से हो सकते हैं, दूसरा रिलीजन हो सकता है, या आप में एज गैप काफ़ी हो सकता है, या तो आप या आपके पर्सन दोनों में से एक इंसान काफ़ी इमेच्योर है। आपके पर्सन, व्यूअर्स, यहाँ मुझे ऐसा सोचते हुए लग रहे हैं कि वो आपको अपनी फीलिंग्स इसीलिए नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप पर भरोसा किया तो उनका दिल न टूट जाए। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपको बहुत ही ऑफर्स आते हैं, आपको बहुत प्रपोजल्स आते हैं,
तो कहीं आपके पर्सन जब अपना प्यार एक्सप्रेस करें तो वो कम ना पड़ जाए, यानी कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको अपने आप से बहुत ऊपर रखते हैं, उन्हें लगता है कि आपकी पोजीशन बहुत हाई है। या तो होगा व्यूअर्स ऐसा कि आप फाइनेंशियली थोड़े ज़्यादा स्टेबल होंगे, या आप अपने पर्सन से ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, तो उन्हें लगता है कि आप कहीं ना कहीं अगर उनको एक्सेप्ट भी कर लेंगे तो उन्हें लगता है कि हमेशा आपके पर्सन की वैल्यू कम रहेगी आपसे। उन्हें यही लगता है कि अगर ये रिश्ता, ये कनेक्शन शुरू होता है या चलता है आगे, तो इसमें हमेशा मेरी वैल्यू कम रहेगी और आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी व्यूअर्स, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। वो सोच रहे हैं अभी कि अभी अगर मेरे अंदर फीलिंग्स हैं तो मैं थोड़ा उन फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखता हूँ या रखती हूँ। वो सोच रहे हैं कि मैं अपने इमोशंस को अभी थोड़ा कंट्रोल करके रखता हूँ, अगर इन्हें मुझसे प्यार होगा तो ये अपने आप एक्सप्रेस करेंगे। थोड़ा एटीट्यूड में बैठे हुए हैं वो, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप उन्हें क्यों पसंद करेंगे, तो इसीलिए वो एटीट्यूड में बैठे हैं। फीलिंग्स हैं लेकिन एटीट्यूड और ईगो के चक्कर में आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है पहले आप करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, आपकी ज़्यादा वैल्यू है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आप उन्हें उतना प्यार नहीं दे पाएंगे या उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है। वो आपसे मिलना चाहते हैं व्यूअर्स, आपसे बातें करना चाहते हैं। यस फॉर श्योर, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, उनका मन बहुत करता है। कभी कभी वो फ़ोन उठाते भी होंगे और नंबर डायल करने की कोशिश करते होंगे या मैसेज टाइप करते होंगे, लेकिन भेजते नहीं हैं। अगर उनकी आपकी तस्वीर उनके पास है, या आपकी कोई फ़ोटो या कुछ चैट्स हैं आपकी, या कोई वॉइस मैसेजेस हैं या कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो उन्हें बहुत सुन रहे हैं। वो रात में सो नहीं रहे हैं, वो वो रात में जागते हैं, लेट तक जागते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ मून जैसा लग रहा है। यहाँ पर वो रात में काफ़ी समय तक जागते हैं और आपकी तस्वीरों को देखते हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है व्यूवर्स, चले आना, अरमान मलिक का सॉन्ग है। मुझे मूवी का नाम याद नहीं, लेकिन उस मूवी में अजय देवगन है। भले दूरी रहे कितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोज़ाना। यहीं तक था सफ़र अपना, तुम्हें है लौट के जाना, कभी मैं याद आऊँ तो चले आना, ऐसा कुछ है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट है, आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा हो सकता है व्यूअर्स, काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, आपकी इतनी रिस्पेक्ट है, सब आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना पसंद करते हैं, तो शायद अब आपको कोई और मिल जाएगा या आपको कोई और मिल गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको तो कोई भी हाँ कर देगा या आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा, आप हो ही ऐसे। हाँ, उन्हें ऐसा लग रहा है आप ऐसे ही हो कि आपको सब पसंद कर लेंगे, तो अब वो ऐसा लग रहा है उन्हें कि हमारा जो सफ़र था, हमारी जो जर्नी थी, वो यहीं तक थी, आगे अब कुछ है नहीं। क्योंकि आप जो व्यूअर्स हो, वो अब उन्हें शायद दोबारा अपनी लाइफ में लाओगे नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत एटीट्यूड दिखाया, ईगो दिखाया, ऐसा उन्हें लगता है। पर वो रीज़न देना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है मैं क्यों ना दिखाऊँ एटीट्यूड, क्यों ना दिखाऊँ ईगो, ये मुझसे प्यार करते हैं तो मुझसे खुद आकर कहें, अगर ऐसे ही किसी के पास चले जाएंगे मुझे छोड़कर तो फिर कैसा प्यार है। तो यहाँ पर ऐसा है व्यूअर्स कि वो ईगो में ही बैठना चाहते हैं और वो आपसे एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं। जितना भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, आपके रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत समय हो गया है आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको इंस्टिगेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके अंदर जो प्यार है वो बाहर आए। वो आपको इस हद तक इग्नोर कर रहे हैं, इस हद तक आपको आपके साथ अवॉइड कर रहे हैं आपको, कि आप एकदम गुस्से से आप अपने फीलिंग्स को सब एक्सप्रेस करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो आपकी लाइफ में। आपके पर्सन को व्यूअर्स ऐसा हो सकता है ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला है, अपनी फैमिली में भी ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला है,
तो उन्हें अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा भूख है, उन्हें लगता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो इंसान मुझे बहुत अप्रिशिएट करे, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करे। तो कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि हमेशा आपको आगे रखते हैं सब, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं सोसाइटी में, ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आपके पर्सन्स व्यूअर आपको मैरिज मटेरियल भी समझते हैं। मुझे यहाँ एक बेबी दिखा इसीलिए बोल रही हूँ, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सब तभी होगा जब व्यूअर्स आप उन्हें एक्सप्रेस करें। वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ होंगे इनके पीछे बहुत लोग पागल, लेकिन इन्हें मुझसे प्यार है तो ये मुझसे आकर कहेंगे, मैं सबकी तरह इनके पीछे नहीं भाग सकता या नहीं भाग सकती, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप ही फ़ोन कर लें, आप ही बात कर लें, इसीलिए वो खुद कॉल मैसेज नहीं करते जबकि वो बात करना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्हें लग रहा है कि अगर आपको कोई और पसंद आ गया या आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है तो ये सफ़र यहीं तक का था बस। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कभी कभी आपके पर्सन इमेजिन करते हैं कि वो आपके साथ बारिश में भीग रहे हैं। यस, रोमांटिकली आपके साथ बातें कर रहे हैं बारिश में भीगते भीगते। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स वो आपको एक रोज भी देना चाहते हैं, गुलाब का फूल देना चाहते हैं। और व्यूअर्स ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये जो आई बनी है ना, वो आपकी आंखों के दीवाने हैं, वो आपकी आंखों में देखते हैं तो वो आई कांटेक्ट आपसे तोड़ नहीं पाते। आपकी तस्वीरों को बहुत देख रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग्स को बहुत सुन रहे हैं, अगर यहाँ पर आपके बीच कोई ऐसा एक्सचेंज है तो। उन्हें व्यूवर्स कहीं ना कहीं बहुत डर भी है कि कहीं सच में ऐसा ना हो जाए कि अगर वो ईगो एटीट्यूड में बैठे हुए हैं तो आपकी लाइफ में कहीं और कोई आ ना जाए, पर उन्हें 50% ऐसा भी लगता है कि नहीं, मेरा प्यार इतना वीक नहीं है कि ये कहीं चले जाएंगे। तो डर में है, लेकिन उस डर के चक्कर में भी वो अपने एटीट्यूड और ईगो को मेंटेन रखना चाहते हैं। यस, ऐसा लग रहा है व्यूवर्स वो कह रहे हैं कि उन्हें आपकी स्माइल बहुत पसंद है, आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। हो सकता है व्यूवर्स ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो, क्योंकि यहां पर बार बार दिल बन रहे हैं। व्यूअर्स यहाँ पैशन भी बहुत है, आपके पर्सन एकदम आपको इतना अट्रैक्टिव, इतना ज़्यादा सेक्सी एंड हॉट समझते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वाह अमेजिंग, निहारते तो बहुत हैं आपको, अडोर तो बहुत करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा मिलना बहुत मुश्किल है, आपको वाइफ या हस्बैंड बना लेना चाहिए, तो वो आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। ओके व्यूअर्स, अभी तक तो मुझे इतनी ही मैसेज मिले, कैंडल एंड मतलब रीडिंग एंड। ओके, तो आई होप व्यूअर्स के रीडिंग आप में से काफी लोगों के साथ मैच की होगी। ओके, मुझे जितने मैसेज मिले मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है, और कैंडल वैक्स रीडिंग में थोड़ा टाइम लेकर आती हूँ, 7-8 दिन का या 10 दिन का गैप होता है तब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आती हूँ। तो आप अगर चाहते हैं मैं और कैंडल वैक्स रीडिंग जल्दी से जल्दी लेकर आती रहूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसी रीडिंग लेकर आऊँ, कोई ऐसी वीडियो लेकर आऊँ, तो आप उसे मिस ना कर सकें। ओके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा व्यूअर्स। और ये रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई है, कैसी लगी है आपको, आपका कोई फीडबैक सजेशन आप मुझे सब कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट पढ़ा था, कुछ लोग जो थोड़े इमोशनल कह सकते हैं, उन्हें गलत तो नहीं कह सकते, उन्हें वो थोड़े इमोशनल होते हैं, और इमोशनल होके वो कहते हैं कि मैडम आपने सब झूठ बताया है, ये तो मुझसे मैच ही नहीं किया, ये तो बहुत झूठ है। झूठ कैसे हो सकता है, झूठ नहीं है ये, झूठ नहीं है, ये आपसे मैच नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये मुझसे मैच नहीं हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि ये झूठ है, ठीक है। तो जैसे किसी इंसान ने आईफिल टावर नहीं देखा और हम उसे और किसी ने देखा है, तो जिसने देखा है वो बोले कि मैंने आईफिल टावर देखा है, और जिसने नहीं देखा वो कहने लगे कि ये झूठ है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. तो आप समझ जाइए कि ये रीडिंग अगर आपसे मैच नहीं हुई थी तो वो आपके लिए नहीं थी, आपके लिए कोई और रीडिंग होगी. बी पेशेंट एंड होपफुल अबाउट योर लाइफ. ऐसा नहीं है कि ये झूठ हो गया अगर आपसे मैच नहीं हुआ तो. ओके सो मैं आपके लिए यू नो आपकी वेल विशर की तरह आपसे कहती हूँ कि थोड़ा यू नो अपने आप को थोड़ा धैर्य में रखिए, काम डाउन रहिए, तो आपके लिए आसान होगा सब. ओके तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ या नहीं. व्यूअर्स, मैं पर्सनल रीडिंग्स अभी नहीं देती हूँ. सच में मेरे पास समय नहीं हो पा रहा है पर्सनल रीडिंग्स देने के लिए. जैसे ही मेरे पास समय होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी वीडियो बनाकर. ओके और आपने पुराने वीडियोस को, पिछले वीडियोस को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. थैंक यू सो मच. और अगर आप सच में आपने अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने मेरे पुराने रीडिंग्स को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए, एक्सप्लोर करिए मेरे चैनल को. वहाँ पर आपको आपके काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे. ओके व्यूअर्स, तो चलिए. और हाँ, जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियो को, कमेंट्स कर रहे हैं, और ये फैमिली जो बढ़ रही है हमारी, ओके तो मैं आप सबको ड्रीम टैरो की फैमिली की तरफ से आपको यू नो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी. थैंक यू सो मच व्यूअर्स, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इससे ये जो वीडियोस हैं वो और लोगों तक पहुंच रहे हैं. ये जो रीच है वीडियोस की वो और लोगों तक पहुंच रही है, और सिर्फ आपको ही हेल्प नहीं मिल रही. अगर आप ये सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं जिनको गाइडेंस मिल रही है. ओके तो ये स्पिरिचुअल वर्क है, हम जितना स्प्रेड करेंगे उतना ही अच्छा है. ओके तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय.